सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम कंप्यूटर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड। तो चलिए जानते हैं और सीखते हैं कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड रेफर्स टू द मैकेनिज्म of transferring of data between two devices connected over the network। मतलब transmission mode एक ऐसा मोड है जहाँ में दो डिवाइस कनेक्टेड होगा इच अदर। दैट मीन्स सपोज मान लीजिए हम लोग अगर कोई पर्सन को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग का जो मोबाइल फोन है ये मोबाइल फोन दूसरा किसी का जो पर्सन है उनका मोबाइल फोन का साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड। ट्रांसमिशन मोड को हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन मोड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। तो ये मेन चीज है ट्रांसमिशन मोड का। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, डायरेक्शन हम लोग को इंडिकेट करता है कि कौन सा डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो चलिए जानते हैं कि ट्रांसमिशन मोड का टाइप्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, तो ट्रांसमिशन मोड को दो भागों में भाग किया गया है। द फर्स्ट वन इज द सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, सेकेंड वन इज द डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है वन डायरेक्शन ओनली, मतलब सिंप्लेक्स में क्या होता है जो डेटा होता है वो डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, लेकिन डुप्लेक्स में क्या होता है जो डेटा है वो बोथ डायरेक्शन इंडिकेट, बोथ डायरेक्शन में क्या होता है ट्रेवल करता है। That means either left to right और right to left में travel करते हैं। फिर से आप देख सकते हैं जो duplex transmission है उसको हम लोग दो भागों में भाग कर सकते हैं। The first one is the half duplex जो कि होगा both direction but one direction at a time। Half duplex में क्या होता है जो data होता है वो दोनों direction में travel करता है लेकिन एक time में एक ही direction में travel करता है, मतलब पहले लेफ्ट टू राइट में ट्रेवल करेगा उसका बाद ही राइट टू लेफ्ट में ट्रेवल करेगा। और एक टाइप है जो कि है फुल डुप्लेक्स। सो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कुछ ऐसा है जहां में डेटा बोथ डायरेक्शन एट ए सेम टाइम ट्रेवल करता है, मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों जो डायरेक्शन होता है दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है लेकिन एक ही टाइम में ट्रेवल करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके जो हर एक ट्रांसमिशन मोड है ये क्या होता है। फर्स्ट हो जाता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। सो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जहां में डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग पकड़ने सकते हैं कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। तो ये हम लोग का हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो जैसे कि आप लोग को पता है कीबोर्ड में जब भी हम लोग कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर में चला जाता है, लेकिन कंप्यूटर से कोई भी डेटा बैक कीबोर्ड में नहीं आता है। तो वैसे ही माउस जो है, माउस से डेटा क्या होता है कंप्यूटर में चला जाता है, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में चला जाता है लेकिन कंप्यूटर से कोई भी डेटा बैक माउस में नहीं आता है। तो वैसा ही होता है कंप्यूटर से जो डेटा होता है इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रिंटर में चला जाता है लेकिन प्रिंटर से कोई भी डेटा बैक जो है वो कंप्यूटर में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो इसका पिक्चर भी मैंने देखे रखा है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वन डायरेक्शन ओनली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड से डेटा है वो डेटा कंप्यूटर में फ्लो करता है लेकिन कंप्यूटर से बैक कोई भी डेटा कीबोर्ड में फ्लो नहीं करता है। तो ये हो गया हम लोग का सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। नेक्स्ट होता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। सो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ साइड बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम। मतलब यहाँ में जो डेटा है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है वॉकी टॉकीज, ओनली वन पार्टी कैन टॉक एट ए टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने जो हाफ डुप्लेक्स है उसका पिक्चर भी देके रखा है और ये वॉकी टॉकी आप देख सकते हैं पहले जो है पहले लेफ्ट टू राइट में ट्रेवल कर रहा है लेकिन सेम टाइम में राइट टू लेफ्ट में ट्रेवल नहीं कर रहा है। जब लेफ्ट टू राइट ओवर हो गया उसका बाद में जाके राइट टू लेफ्ट ट्रेवल किया। तो वॉकी टॉकी में ज़्यादातर हम लोगों को दिखाई देता है कि जब भी
कोई एक पर्सन बात करते रहता है तो दूसरा पर्सन को साइलेंट रहना पड़ता है। एक पर्सन बात हो जाएगा उसके बाद में ओवर बोला जाएगा तो नेक्स्ट पर्सन उसके बाद में बात करेगा। तो ये वॉकी टॉकीज हो गया हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल। तो चलिए अभी जानते हैं कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है। सो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ साइड एट ए टाइम। मतलब यहाँ में जो ये जो ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिशन में क्या होगा, डेटा बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा एक ही टाइम में। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का टेलीफोन हो गया, हम लोग का मोबाइल फ़ोन हो गया, इसमें क्या होता है डेटा बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। मतलब जो दो पर्सन है टेलीफोन में, दो पर्सन बात कर रहा है, एक ही साथ में बात कर सकता है और डेटा भी क्या होता है एक ही साथ में ट्रेवल करता है। तो यहाँ में मैंने पिक्चर दे के रखा है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का, बोथ डायरेक्शन एट ए सेम टाइम। और यहाँ में अब देख सकते हैं टेलीफोन में क्या होता है, दोनों आदमी एक साथ में बात कर सकता है। तो ये हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन मोड या तो ट्रांसमिशन मोड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।